elimination. So writing down elimination reaction. Elimination reaction. Elimination reaction. Elimination reaction. अब elimination reaction का मतलब क्या है? कोई चीज कहीं ना कहीं eliminate हो रही होगी. बस ना तो आपके लेवल पे मेरी दो चीज की elimination की बात की जाती है. एक बात की जाती है HX की और एक बात की जाती है water की. और जब HX निकलेगा तो क्या बोलोगे? Dehydrohalogenation. और जब water निकलेगा तो क्या बोलोगे? Dehydration. बस ना और कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए कि कितने तरह के एलिमिनेशन हो सकते हैं और अगर बदन से निकालने की बात हो रही हो तो मान लो यहाँ एच है, यहाँ आपका एक्स है, यहाँ आपका ओ एच है. बस ना मतलब एक डायरेक्टली बोला जाता है कि आपका लिविंग ग्रुप है. यहाँ पर क्या है? लिविंग ग्रुप है. अच्छा लिविंग ग्रुप है या तो खराब लिविंग ग्रुप है. बस ना इसके अलावा भी जनरल लिमिटेशन मिल रही है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है. लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में अल्काइल लाइट अल्कोहल है इसलिए मेरी आपको दिखा रहा है. लेकिन चैप्टर एलिमिनेशन में कहीं कुछ भी हो सकता है. बस मैम इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन के बारे में सोचें, एलिमिनेशन के बारे में सोचें तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सोचिए. एक तरीका है कि पहले इलिमिन ग्रुप निकल जाइए. अच्छा है वैसे ही निकल जाइए और बुरा है अच्छा बना के निकल जाए. तो एक तरीका है पहले इलिमिन ग्रुप निकल जाए और निकलने के बाद ये कार्बोकैटायन बना ले, कार्बोकैटायन बना ले और बाद में फिर एच प्लस निकल गया है और एच प्लस निकल कर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया है. बस में आगे दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन रिच जो बेस है वो इस प्रोटॉन को खींचे और एट अ टाइम के लिए सिस्टम से बाहर निकल जाए. तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाकर यहाँ आपका एच है, ये आपका लिविंग ग्रुप है और ये आपका बेस. तो बेस का प्रोटॉन का खींचना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना और इस लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकलना, सब कुछ साथ साथ हो जाए. और सब कुछ साथ साथ होते हुए ये एच लिविंग ग्रुप निकल जाए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाए, हो सकता है. और तीसरी संभावना है कि पहले जो बेस है वो बेस पहले इस प्रोटॉन को खींच ले और बेस इस प्रोटॉन को खींच कर पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे, ऐसा कॉन्जुगेट बेस बना दे. इस कॉन्जुगेट बेस की मौजूदगी में फिर लिविंग ग्रुप निकल जाए और लिविंग ग्रुप निकल कर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाए. बस यहाँ तो यही तीन तरीके हो सकते हैं अगर बगल से चीजों के निकल जाएंगे. एक पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए, कार्बन कार्बन बन जाए, बाद में निकल जाए डबल बॉन्ड बन जाए. तो इस रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं इवन रिएक्शन. नाम क्या देते हैं? इवन रिएक्शन. और फिर दोनों के ग्रुप एच और लिविंग ग्रुप दोनों ग्रुप साथ साथ निकलता है तो इस तरह के रिएक्शन का नाम देते हैं, वो नाम देते हैं ई टू रिएक्शन. नाम क्या देना है? ई टू रिएक्शन. और तीसरा पहले बेस प्रोटॉन को खींच लें, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बन जाए, बाद में लिविंग ग्रुप निकल जाए डबल बॉन्ड बन जाए. तो इस तरह के रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? ई वन सी बी रिएक्शन. तो एलिमिनेशन अगर हम बीटा की बात करते हैं, अगर वो निकलना तो बीटा एलिमिनेशन. तो बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं तीन तरह की मैकेनिज्म हो सकती है. पहला कौन सा है? ई वन. दूसरा कौन सा है? ए टू. तीसरा कौन सा है? ई वन सी बी. चलो देखो टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन. देखो टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन. टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन. तो पहला क्या कह रहा है इसमें समझना, लिविंग ग्रुप अगर निकल जाए, कार्बोकैटायन बन जाए, बगल से प्रोटॉन निकल जाए, डबल बॉन्ड बन जाए, रिएक्शन का नाम ई वन है. अगर एच और लिविंग ग्रुप दोनों साथ साथ निकलता है, ठीक है, तो इस मैकेनिज्म का नाम कौन सा है? ई टू है. और अगर पहले एच निकलता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, बाद में लिविंग ग्रुप निकलता है, डबल बॉन्ड बनता है, तो नाम कौन सा है? ई वन से. ठीक है, चलो नाम देखो.
एक बार से देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। पहले अगर लीविंग ग्रुप निकलता है तो क्या बनता है, कार्बो कैटायन। क्या बनता है, कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन। और बाद में एच निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया, रिएक्शन नाम कौन सा है, टी वन है। अगर दोनों साथ साथ निकलता है तो बनता है ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन का नाम कौन सा है, पी टू रिएक्शन। और अगर कोई स्पेसिस प्रोटॉन को निकालता है तो इसे बोलते हैं एसिड। अगर कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाता है इसी बेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस है। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस है। ये जो सीबी टर्म आया है यहीं से आया है, कॉन्जुगेट बेस, और एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस। इस रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं टी वन सी रिएक्शन। तो एनसीईआरटी बहुत ही कम एलिमिनेशन के ऊपर बहुत ही कम चीजें लिखी है, बस यहाँ भी तो उनका मेनली फोकस ई वन और ई टू को पर ही रहता है। तो मेडिकल के वास्ते जितने इतिहास में क्वेश्चन आए हैं सब ई वन या ई टू है। इवन आई टी मेन हुआ, एडवांस हुआ, जे हुआ, सबने केवल ई वन और ई टू ही आया है। एक बार जे ने आपसे मैथ के कॉलम में ई वन सी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया था, तो वो एक साथ के क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सारा एलिमिनेशन या तो केवल ई वन है या तो ई टू है। याद रहे, चल एक एक को लिख सकते हैं जिससे दिमाग की पिक्चर प्रॉपर बने। चल लिखिए ईवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए ईवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ईवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ईवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चल बनाइए, देखिए अगेन एक जनरल रिएक्शन आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, जनरल रिएक्शन। और इस रिएक्शन क्या है, आपके पास एक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, आपके पास एक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और इसी के ऊपर हम अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं, साथ में हीट कर रहे हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ये मिल रहा है आइसोब्यूटेन, ये हमको मिल रहा है। चलिए जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन मतलब जितनी चीजों को मैं ईवन से निकालूंगा वो मेनली यही है। इन रिएक्शन को अपने दिमाग में बैठाओ और इसी हर चीज को जनरलाइज करो। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, ईडीओएच ईडीओएच मतलब इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल CH3CH2OH, इथाइल को सिंपल लिखते हैं ईटीए, याद रहे हो। चलिए अब उसको जब मैटेरियल देखते हैं तो आखिर ये रिएक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मैथ दिमाग में बैठाइए। यहां पे आपके पास अगर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, आपके पास यहां टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से यहां कार्बन का पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में डालोगे इसका नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होने से क्यूमेटरी कुछ एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ देता है। और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो हमको क्या मिल गया, कार्बो कैटायन, हमें क्या मिल गया, कार्बो कैटायन। मानिए इसी CH3 को थोड़ा दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ CH2 और ये बन गया H, बस यहाँ पे। अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन रिच चाहेगा कि वो इस कार्बो कैटायन को अटैक करके प्रोडक्ट बना ले, तो अगर इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट बना लिया रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है SN1। लेकिन दिक्कत ये है कि जब यहाँ क्राउडिंग है, स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है तो चाहता जरूर है कि यहाँ अटैक कर ले, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। और जब पहुंच नहीं पाता है तो इसी का अगर हाइपर कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो इसी के इलेक्ट्रॉन को नीचे करते हो और नीचे करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हाइपर कन्वर्टेशन में आपने पढ़ा है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर वो यहाँ से यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है तो क्या करता है, इसी को खींच लेता है। और इसी को खींच लेता है कि एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींच ले और खींचने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बन गया वो CH3, यहाँ CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। बस यहाँ पे तो कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन से बॉन्ड बना ले तो रिएक्शन है SN1, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले तो रिएक्शन कौन सा है, E1। याद रहेगा फिर से बोल रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन से बॉन्ड बना ले तो रिएक्शन कौन सा है, SN1, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटॉन से बॉन्ड बना ले तो रिएक्शन कौन सा है, E1। याद रहेगा जी, लेकिन मैकेनिज्म बनाओ।
अब जो भी चीजें निकलेंगी केवल और केवल यहीं से निकलेंगी, यहीं से हर चीज में मैं जनरलाइज करूंगा और इसी से ठीक है पॉइंट्स निकलेंगे जो आपको दिमाग में बैठाना है। बन गया? चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि आपका चीजें बदल सकती है दिमाग में बैठा दिया। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यार। चलिए पहला पॉइंट यही निकलता है, पहला पॉइंट यही करता है कि ये जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में प्रोसीड हो रहा है या दो दो। पहले न्यूट्रॉन को कार्बन बॉन्ड बना रहे हो तो बगल से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, पर अगर दो स्टेप हो रहा है कि पहला स्लो होगा कि दूसरा स्लो होगा। पहला स्लो, पहला न्यूट्रॉन से चार्ज बनाना, स्टेबल से अनस्टेबल बनाना ये स्लो होता है या अनस्टेबल से स्टेबल बनाना ये स्लो होता है? स्टेबल से अनस्टेबल। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये स्लो है और अगर स्लो है तो ये क्या है आरडीएस। बस में आ गई। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि इवन रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस है टू स्टेप प्रोसेस है, तो क्या कहना है टू स्टेप प्रोसेस है। चलो देखो पहला पॉइंट, इवन रिएक्शन इज जनरली टू स्टेप प्रोसेस, इवन रिएक्शन इज जनरली टू स्टेप प्रोसेस इन विच फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड आरडीएस। ये हमारा स्लो है और ये आरडीएस है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ध्यान से देखो इसके अंदर केवल और केवल अल्काइल हाइड्राइड का पार्ट है, और अगर इसके अंदर केवल और केवल अल्काइल हाइड्राइड का पार्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल इसी अल्काइल हाइड्राइड कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इस बेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो दूसरा जो आपसे पूछा जाता है यही है रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। चलेगा दूसरा, rate of even reaction is directly proportional to concentration of alkyl halide. Rate of even reaction is directly proportional to concentration of alkyl halide. बस यार the even जो नाम आया है वही से आया है। Rate केवल और केवल alkyl halide के ऊपर dependent है, इसलिए बात करते हैं even reaction। याद रहेगा? चलिए अब सोचते हैं। अब जो जो changes आते हैं normally reaction में वो कहाँ पे आते हैं? या तो आते हैं सब्सट्रेट में, या तो आते हैं रिएजेंट में, या तो आते हैं सॉल्वेंट में, और इसी के कोरस्पोंडिंग आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है। बस में आए तो चेंजेस कहाँ कहाँ कर सकता है? सब्सट्रेट भी कर सकता है, ठीक है, रिएजेंट कर सकता है, सॉल्वेंट कर सकता है, कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर सब्सट्रेट में चेंज अच्छे हैलाइड है तो यहाँ पे क्या होगा? आर होगा और एक्स होगा। अच्छा क्यों? क्योंकि इसको निकालना ही निकालना है और बनाना कार्बोन है, कि जितना आसानी से निकल जाए उतना ही आसानी से इधर से चला जाएगा। बस में आ गई। तो क्या बोलोगे इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप कि बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स इवन रिएक्शन। बस में आ गई। इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप क्या बोलना है कि बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स इवन रिएक्शन। चलिए पॉइंट को लिखिए, बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स even reaction।
कि जितना अच्छा लिविंग रूम होगा इवन रिच प्रेम उतना ही ज्यादा होगा. बेटर लिविंग रूम फेवर्स इवन रिच. याद रहेगा कि जितना अच्छा लिविंग रूम इवन करेक्ट रिच उतना ही फास्ट. जैसे मान लो क्वेश्चन रूम में ऐसे दिख दिया कि CH3 और यहाँ आई है. एक केस में क्या दिया है CH3 यहाँ बी आर है. एक केस में क्या दिया CH3 यहाँ सी एल ऐसे दे दिया. लेकिन फ्लोरीन भी लेना चाहो यहाँ भी ले लो CH3 और यहाँ एफ. नॉर्मली फ्लोरीन अवॉइड करता है लेकिन दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिए. तो आई अच्छा लिविंग ग्रुप है, बी आर अच्छा लिविंग ग्रुप है, सी एफ अच्छा लिविंग ग्रुप है, एफ अच्छा लिविंग ग्रुप है. आई क्योंकि आई रिलेटेड कंस्टेबल हो बस में आ गई. चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया से इतना ज्यादा डेंसिटी प्लेन का. तो लिविंग ग्रुप में हमने पढ़ा है आई माइनस एम बी आर माइनस एम सी एफ माइनस एम एफ माइनस. तो अगर आई अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसका रेट ऑफ इवन फास्ट होगा. उसके बाद बात करेंगे इसकी. और उसके बाद जो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा लेकिन इवन करेक्ट ऑफ रिच उतना ही फास्ट होगा. चलो बना बना देखो. तो अगर चेक का अल्काइल हैलाइड है तो चार ही तरह के लिविंग ग्रुप की बात कर सकता है आई की, बी आर की, सी एल की या एफ की. और तो लिविंग ग्रुप यहां पर नहीं आएगा. अब इस अल्काइल के टर्म्स में देखते हैं. अब इस अल्काइल के टर्म्स में देखते हैं. चलिए सोचिए इस लिविंग ग्रुप को निकलकर अल्काइल के टर्म्स में बनाना क्या है, कार्बोकैटायन. बनाना क्या है, कार्बोकैटायन. और ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ इवन फास्ट या स्लो. फास्ट मतलब इसको टूट के इसको स्टेबल सोचना है और इसको टूट के इसको स्टेबल सोचना है. हैलोजन मतलब फिक्स है कि चार ही होंगे इसलिए आई बी आर सी एल एफ. लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ कुछ भी हो सकता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कीवर्ड को क्यों नहीं देख लेना है कि कौन सा कार्बोन अनस्टेबल है और कौन सा कार्बोन अनस्टेबल. जो कार्बोन अनस्टेबल होगा रेट ऑफ कीवर्ड उतना ही फास्ट होगा. चलिए पॉइंट टू लिखिए. रेट ऑफ कीवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन rate of even reaction. Rate of even reaction depends on stability of carbocation. Greater is the stability of carbocation, faster is the even reaction. Greater is the stability of carbocation, faster is the even reaction. Greater is the stability of carbocation, faster is the even reaction. कि जितना ज़्यादा stable carbocation होगा, even greater reaction उतना ही fast होगा. याद रहेगा? बना लोगे? पक्का? चलिए. इसमें हम लोग क्वेश्चन में ऐसे बना दो. ऐसे बना. यहाँ मैंने सीएल लगा दी. हम ऐसे बना दें. यहाँ हमने सीएल लगा दी है. हमने ऐसे बना दें. यहाँ सीएल लगा दिया. तो किसका इवन करेक्ट सबसे फास्ट, पहले का, दूसरे का, तीसरे का? पहले का. क्योंकि यहाँ तो कार्बो बनाए बनाओगे तीन इंच के दो आठ का कन्वर्जेशन. यहाँ कार्बो बनाए बनाओगे तीन और चार का कन्वर्जेशन. यहाँ कार्बो बनाए बनाओगे केवल दो हाइबर कन्वर्जेशन. तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बो बनाए होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा. बस यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल कार्बो बनाए होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा. चलिए बनाइए. लेकिन वो तो आगे दिखाएंगे. रेट मतलब यहां से यहां आना. तो पहले लेवल पे क्या हो रहा है वही डिसाइडिंग फैक्टर है. बाद में क्या हो रहा है डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है. प्रोडक्ट जब पूछे क्या करेगा तब तो यहाँ से लगा के कार्बन डाइन बनाओगे, हाइड्रेट सिटी करके नया कार्बन डाइन बनाओगे, फिर बगल से प्रोटॉन निकाल के डबल बॉन्ड बना देते. वो तो बाद में देखेंगे. लेकिन अगर तुमके तुमसे रेट पूछ रहा है तो इसको तोड़कर पहले लेवल का जो कार्बोकैटायन है वो सोचना है. तो पहले लेवल का कार्बोकैटायन टर्शियरी हाइपरकंजुगेशन ज्यादा, दूसरे लेवल का कार्बोकैटायन सेकेंडरी हाइपरकंजुगेशन कम, और टर्शियरी मतलब तीसरे लेवल का कार्बोकैटायन और स्टेबल कम है.
और जितना इसका मतलब है मेरी अपनी जो पढ़ाई कम है। बस मैं आगे तो अगर रिलेट की बात करें तो क्यों फोकस इस पे करना है, कार्बोहाइड्रेट की स्टेबिलिटी पे, कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट बनेगा। बस में आगे कर लोगे, चलिए समझिए, लिविंग में उतना अच्छा से अच्छा इवन उतना अच्छा, अल्काइल जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बनाए इवन द रिएक्शन रेट उतना ही अच्छा। अब कहते हैं रिएजेंट, अब कहते हैं रिएजेंट पे, समझिए रिएजन ने प्रोटॉन खींचा है और कहां से खींचा है, कार्बोहाइड्रेट बन चुका है और जगह खाली हो चुके हैं तो उस वजह से प्रोटॉन निकाल लेना है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है तो सॉल्वेंट खुद ही रिएजन का काम कर लेता है। बस यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है तो सॉल्वेंट खुद ही रिएजन का काम कर लेता है, और रिएजन का काम करते हुए प्रोटॉन को खींच लेता है और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना देता है। याद रहेगा चेक पॉइंट को लिखो, In even reaction, alcohol itself acts as a base, and extract proton. प्रोटॉन को खींच लेता है, दैट इज सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ बेस, सॉल्वेंट खुद ही बेस का काम करता है, सॉल्वेंट खुद ही एक बेस का काम करता है। और मेनली इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट लेके चलते हैं वो सॉल्वेंट कौन सा लेके चलते हैं, अल्कोहल। तो इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि अल्कोहलिक मीडियम फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन बट एक्वस मीडियम फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब पानी डालो तो स्टेरिक फैक्टर कम होगा, और जिस स्टेरिक फैक्टर कम होगा तो ऐसे सोचो कि पानी का मतलब HOH है और अल्कोहल का मतलब ROH है, एक है तो H का साइज छोटा है, H का साइज छोटा है, तो यहाँ क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, और जो क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है ये इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ अटैक करेगा। बस में आगे, लेकिन जब तुमने एच एक छोटा लिया एक आर एक बड़ा लिया तो इनडायरेक्टली यहाँ क्राउडिंग आ गई, और जब यहाँ क्राउडिंग आ गई तो चाहता जरूर है कि यहाँ ऐड करे लेकिन पहुंच नहीं पाता है, इसके बगल से प्रोटॉन खींच लेता है और खींच के डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इसलिए बोलते हैं कि एल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन करना है और एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन करना है। बस मैम इसलिए एसएम वन में मैंने यहाँ पर क्या डाला था, पानी, और इवन में यहाँ क्या डाल रहा हूँ, अल्कोहल। तो इसी को केमिस्ट्री के नाम से बोलते हैं कि एल्कोहलिक मीडियम फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन बट एक्वस मीडियम फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रहेगा, चलो पॉइंट नंबर 2, एल्कोहलिक मीडियम फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्कोहलिक मीडियम फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन बट एक्वस मीडियम फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्वस मीडियम में हमें सब्स्टिट्यूशन सोचना है, लेकिन अगर एल्कोहलिक मीडियम है तो एल्कोहलिक मीडियम में हमें एलिमिनेशन सोचना है। कैसे बोल रहे हैं, एक्वस मीडियम में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन सोचना है, लेकिन एल्कोहलिक मीडियम में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन सोचना है। याद रहेगा, चलिए अभी वहां में बैठाइए। हमने सब्सट्रेट के अंदर की लिविंग ग्रुप की चेंज भी देख लिए, हमने सब्सट्रेट के अंदर की अल्काइल पार्ट के अंदर की चेंज भी देख लिए। रिएजेंट कोई एडिशनल लेना नहीं है, सॉल्वेंट खुद ही रिएजेंट का काम करता है और प्रोडक्ट बना देता है। सॉल्वेंट मेनली जो लेना है अल्कोहल लेना है, इसे एल्कोहलिक मीडियम एलिमिनेशन होगा। अब जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, प्रोडक्ट। बस यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, प्रोडक्ट। और सोचिए सबसे पहले अल्काइल साइड से हाइड्रोजन है कि कार्बोनाइन आया है और बगल से प्रोटॉन खींच लिया है और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना लिया, गिर दिया है। जैसे मान लो कि तुमसे ऐसा पूछा जाए कि ये तुम्हारे पास एक अल्काइल हैलाइड है और इसके ऊपर तुमने अल्कोहल का रिएक्शन करा दिया और ये करा दिया, तो सबसे पहले क्या किया, इसी सीएल को हटा दिया और इस सीएल को हटा के एक कार्बोनाइन बना लिया।
अब दो चॉइस है इसके बगल से, यहां से प्रोटॉन खींच के यहां भी डबल बॉन्ड बना सकते हो और यहां से प्रोटॉन खींच के यहां भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो दो डबल बॉन्ड होने की संभावना है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ये बनेगा अपने आप से पूछो कि ज्यादा स्टेबल अल्कीन पहली वाली है या ज्यादा स्टेबल अल्कीन दूसरी वाली है। दूसरी वाली है, ये समझ में आएगा ये हो जाएगा माइनर और ये समझ में आएगा ये हो जाएगा मेजर। ये बन जाएगा ये कौन सा हो गया माइनर और ये सब हो गया ये कौन सा हो गया मेजर। बस यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना है तो हमें उस अल्कीन के बारे में सोचना है जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक सिंपल पॉइंट नोट करेंगे, देखो मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन stability of product, major product reaction depends on stability of product, greater is the stability of product, greater is the stability of product, greater is the stability of product, major is the corresponding product, major is the दो है और इसमें हाइपर कंजुगेशन छह है, ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल। कोई दिक्कत चली गई। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो एक तुमने ये अल्काइल हाइड ले लिया, ये अल्काइल हाइड ले लिया और इसके ऊपर कह रहा है कि अल्कोहल और हीट का रिएक्शन, इस सीएल को हटा दिया कार्बन प्राइम बना दिया और कार्बन प्राइम बनाने के बाद यहाँ से प्रोटॉन खींच के यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हो और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो ये बनेगा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ एच हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हो और यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाओगे तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा और यहाँ भी छटा यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हो और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो ये प्रोडक्ट ये बनेगा, ये तो बनेगा। तो तीन संभावनाएं हो सकती है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हो, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हो, तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हो। इसमें अगर हाइपर कंजुगेशन देखें तो तीन छह दो आठ दो दस है, इसमें अगर हाइपर कंजुगेशन देखें यहाँ तीन चार दो छह है, इसमें हाइपर कंजुगेशन देखें जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट सोचना, याद रहेगा। चलिए करिए देखिए, तो सारा खेल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ऊपर ही बेस्ड है कि जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा यही अपना मेजर सोचना है। चलो बना देखो दसवें कुछ है, एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा है तो बोलना है इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन,
ये किसी रूप में हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल टर्सिल ब्यूटाइल किसी रूप में हो सकता है। तो जितने हाइड्रोजन हटे हैं उतने सब्स्टिट्यूशन है, तो एक हाइड्रोजन हटा है और एक सब्स्टिट्यूशन है। और मान लो ऐसे ले ले, इसमें कितने हाइड्रोजन हटे हैं, दो, एक यहाँ हट के मिथाइल एक यहाँ हट के मिथाइल, तो क्या बोलना है, दो सब्स्टिट्यूशन। इसमें अगर पूछा गया है, इसमें अगर पूछा गया है इसमें कितने सब्स्टिट्यूशन है, दो, दो है ना, एक यहाँ हाइड्रोजन पहले से है, एक यहाँ हाइड्रोजन पहले से है, एक अल्काइल इधर एक अल्काइल इधर, सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, दो। अब आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूशन है, क्या कहोगे, फोर, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो उसे ऐसे पूछ लिया गया कि इस अल्किन के अंदर, इस अल्किन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूशन है, क्या कहोगे, तीन, एक यहाँ घट गया, एक यहाँ घट गया, एक यहाँ घट गया, एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो गया तीन, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो गया दो, इसमें हो गया चार, इसमें दो और इसमें एक और इसमें जीरो। और सबसे बड़ा अगर पूछा गया इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूशन है, एक या दो, एक, पूछा गया इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूशन है, एक या दो, दो। तुमसे पूछा गया इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूशन है, क्या कहोगे, चार, एक दो तीन चार, इसके अंदर कितना सब्स्टिट्यूशन है, तीन, एक दो तीन, इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूशन है, दो, एक और एक दो, दो सब्स्टिट्यूशन है। तो कल्पना करो तुम इस संसार के पहले इंसान हो, कल्पना करो तुम इस संसार के पहले इंसान हो जो इस चीज को देख रहे हो कि किसी भी अल्काइल हाइड से के HX को निकाल रहे हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें मेजर वो बन रहा है जिसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। किसी भी अल्काइल हाइड से ये HX को निकाल रहे हैं और जो अल्कीन बना रहे हैं उस अल्कीन में वो हमेशा मेजर बन रहा है जिसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो इस संसार का तुम पहले इंसान हो, लेकिन तुम्हारे से पहले किसी काम नहीं किया है, लेकिन तुम इस काम को कर रहे हो और अल्काइल हाइड का रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन करने के बाद तुम अल्कीन बना रहे हो, तुम बार बार ये देख रहे हो कि वो अल्कीन हमेशा मेजर बन रही है जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। इंसान की एक ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश क्या होती है, उसका नाम संसार जाने। ख्वाहिश क्या होती है, नाम संसार जाने। बस मैं मतलब देखा जाए इंसान की बॉडी को, इंसान की बॉडी आप कुछ ऐसी दिखाई देती है, ऐसी होती है, ऐसी है ना। तो जितने सीखने वाले ऑर्गन है, आंख कितनी है, दो है, बस यहाँ इंसान देख के सीखता है, कान कितने हैं, दो है, इंसान सुन के सीखता है, हाथ कितने हैं, दो है, इंसान लिख के सीखता है, पैर कितने हैं, दो है, इंसान चल के सीखता है, बस यहाँ जितने भी सीखी हुई चीज है या जितने भी सीख सकते हो वो कितने हैं, दो है। लेकिन सीखी हुई चीज को स्टोर करने वाला ऑर्गन वो कहाँ है, सबसे ऊपर। बस मैं कल्पना करूँ कि ये दिमाग यहाँ की जगह यहाँ होता, अच्छा है बुरा है, क्यों, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हो, अगर आईटी की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब साइंस की स्टूडेंट हो, और साइंस के स्टूडेंट हर चीज में दिमाग लगाना है और हर चीज में दिमाग लगाना है, सोचो अगर यहाँ की जगह यहाँ हो जाए तो अच्छा है बुरा, बुरा क्यों, चोट लग जाएगी। तो जब भगवान यहाँ पर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डी दिए हैं तो यहाँ अगर तुमको दिमाग लगाना होता तो यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डी नहीं लगा देते क्या, जब यहाँ तुम्हारा ब्रेन सेंसिटिव है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब यहाँ हड्डी का ढांचा दे सकते हैं उसका पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके मन में होता है कि दिमाग यही देना है तो क्या यहाँ हड्डी का ढांचा नहीं दे देते, दे देते। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्शन भगवान तो यहाँ भी कर सकते हैं, बस ना लेकिन दिमाग भगवान ने यहाँ नहीं दिया बल्कि दिमाग भगवान ने यहीं पर दिया, लेकिन अगर दे देते तो अच्छा है बुरा है, मानो दिमाग भी दे दिया और प्रोटेक्शन भी दे दिया, अब बताओ अच्छा है बुरा है। सेम बात है, एक तुम्हारा ब्रेन वहां है जिसे अगेंस्ट ग्रेविटी सीखना है और एक ब्रेन वहां है जिसे अगेंस्ट ग्रेविटी सीखना है, कि जितने सीखने वाले ऑर्गन है बॉडी के ऊपर है और जहां स्टोर करना है बॉडी के नीचे है, तो सीखने वाली चीज विद ग्रेविटी सीख लोगे, सीख लोगे नहीं सीख लोगे, लेकिन सीखने वाली चीज जिसे सीख सकते हो वो नीचे है और स्टोर करने वाली चीज ऊपर है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है और अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है तो बुरा है ना, लेकिन अगर दिमाग ने यहाँ नहीं दिया, भगवान ने दिमाग यहाँ नहीं दिया यहाँ दिया तो सोच के लिया होगा,
क्योंकि अगर यहां दे देते तो दिक्कत क्या है, हर चीज सीख लोगे, हर चीज सीख लोगे, मतलब अगल बगल की एसी की आवाज आ रही है वो भी सीख लोगे, कुत्ते भौंक रहे हैं वो भी सीख लोगे, चिड़िया चहक रही है वो भी सीख लोगे, इतनी सारी चीजें आवाज तुम्हारे ब्रेन में जाती रहेगी, इतनी तरह की डिस्टर्बेंस आती रहेगी, तो धीरे धीरे ब्रेन तुम्हारा पूरी तरह से भर जाएगा और फट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ है तो जो काम का है वही सीखना है और जो काम का नहीं है उसे हटाते रहो। तो कुछ है जिसने कहीं ना कहीं तुम लोग को बनाया है, बहुत मन से बनाया है। बस नागरिक को चाहता था ब्रेन ही रख दे सकता था, लेकिन उनको लगा होगा कि यहाँ मेरे से बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए यहाँ दो कि जो काम की है उसे सीखे इंसान, जो काम की ना उसे हटाए इंसान। बस नागरिक चलिए, ये तो हो गया यहाँ। लेकिन दिक्कत ये है कि इसी की वजह से इंसान सुपीरियर है। अगर इसको हटा दिया जाए, ब्रेन को हटा दिया जाए, तो इंसान के अंदर कोई खास गुण भी नहीं है। चिड़िया के अंदर क्या गुण है? हाँ, उड़ सकती है, जो ही अंडे से बाहर निकली उड़ सकती है। बस यहाँ कुत्ते हुए, बैल हुए, गाय हुए, वो इतने भारी शरीर है लेकिन फिर भी अगर पानी में डाल दिए हैं तैर लेते हैं। एक इंसान को तैरने आता है, उड़ने आता है, कहाँ तैरने आता है? सीखना पड़ता है, आता नहीं है, लेकिन कुत्ते को सीखना पड़ता है। बस यहाँ कुत्ते को सीखना पड़ता है कि पानी में कैसे तैरना है, टेंशन ही कम होती है। वाह, कुत्ते की टेंशन ही कम होती है। इंसान की बॉडी सोचो, कुत्ते की बॉडी सोचो, इंसान को कितना मेहनत करना पड़ता है तैरने के लिए। बस यार, और कुत्ते की टेंशन ही कम होती है, ये खतरनाक वर्ड पहली बार सुनने में आ रहा है। और गाय की टेंशन ही आराम से जो पड़ पाता है, मतलब आप सोचो कितना खतरनाक है, मतलब मैक्सिमम जानवर होते हैं वो पानी में तैर लेते हैं, समझ गए, वो पानी में नहीं डूबते हैं। एक इंसान को सीखना पड़ता है। बस यार, उड़ना तो आता ही नहीं है, लेकिन उड़ने नहीं आता न उड़े, तैरने नहीं आता न उतना तैर पाए। लेकिन सोचो ब्रेन है जिसने कहे कितनी चीजें बना दिया, मिसाइल बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, रॉकेट बना दिए, क्या हमें नहीं उड़ने आता है ना उड़े, मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ। तैरने नहीं आता ना आए, पूरे का पूरा सिर बना डाला जो पूरे का पूरे गाँव को एक जगह दूसरी जगह भेज सकता है। बस नामी सारा खेल किसका है? इस ब्रेन का है। बस नामी जो इसको सबसे ज्यादा यूज करता है वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी पाता है और पैसा भी पाता है, और जब इसको छोड़ के इनमें से किसी और कॉर्नर का हेल्प लेता है तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी कम पाता है और इकोनॉमी भी उसके पास कम आती है। जैसे मेहनत करने की बात करें कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेबर करता है। बस यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेबर करता है। बीचों हाईवे चले जाओ और लेबर उठा के लाओ, ठीक है, 300-400-500 में लेबर मिल जाएंगे और एक दिन से पूरी मजदूरी करवा सकते हो। बस यहाँ पे एक दिन पूरी मजदूरी करा सकते हो, कहीं से कुछ भी सामान पहुंचाना हो, ले जाना हो, करवा सकते हो। सोचिए पूरा दिन काम कर रहा है और पैसा कितना आ रहा है? 300 से 500 रुपए। बस में आगे ये फिजिकल वर्क कर रहा है। बस में आगे लेकिन जो कंपनी के सीईओ है, जो मालिक वगैरह है, तो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? मेंटल वर्क। और एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का उनका जो अमाउंट है, कंपनी है, वो लाखों करोड़ों में। बस में आगे तो सारा खेल किसका है? इस ब्रेन का। बस में आगे अच्छा, इंसान के पास ब्रेन आया तो ख्वाहिश आ जाती है। वो ख्वाहिश क्या आता है? कि संसार मेरा नाम जाने। बस यार एक टाइम स्पेन है, उसे टाइम स्पेन के अंदर कहीं ना कहीं इंसान रहेगा, तो जब वो मरे तो ऐसा नहीं है कि वो गया तो गया, संसार उसका नाम जाने, मतलब उसमें कुछ अच्छा काम करता है। जैसे महात्मा गांधी है, कुछ अच्छा काम किए होंगे तभी तो हम पढ़ते हैं। बस यार अगर अच्छा काम ना करें तो उनके बारे में क्यों पढ़ेंगे? बस यार जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, जितने फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, जितने टीचर्स हो गए हैं जिन्होंने नाम बनाया उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया। तो अगर कुछ अच्छा करोगे तभी तो संसार तुम्हारा नाम जानेगा, अदरवाइज क्यों जानेगा? तो इसका तो सारा खेल इसका है, ब्रेन का है, और ये है कि हमें हमारा नाम संसार जाने। तो इसीलिए अगर कोई इंसान कोई नया काम करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कुछ ऐसा किया जाए कि वो चीज मेरे नाम से जुड़ जाए। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सबको देखा, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? सेट जेफ। उनका नाम क्या था? सेट जेफ। सेट तो उन्होंने अपने नाम से एक रूल दे दिया, उन्होंने अपने नाम से क्या कर दिया? एक रूल दे दिया। जैसे मान लो आप कोई नई चीज खोजो तो क्या करोगे? अपने नाम से रूल दे दो, जिससे फ्यूचर में अगर कोई पढ़े तो आपका नाम इनडायरेक्टली याद करे। बस मैंने तो सेंजर सर का एक बड़े रूल दे दिया कि किसी भी अलकाइन हैलाइड से अगर एचएस को निकाला जाता है, और बाद में अल्कोहल चैप्टर में क्या पढ़ोगे कि किसी भी अल्कोहल से अगर वाटर निकाला जाता है तो वो अल्कीन मेजर बनती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है, और वो अल्कीन माइनर बनती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम होता है। बस में आगे इसी इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग डिहाइड्रोहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दैट अल्कीन विल बी मेजर व्हिच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड।
जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा वो मेजर है और जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम होगा वो माइनर है, याद रहेगा। चलो पॉइंट नंबर एक, सेट्स ऑफ रूल, सेट्स ऑफ रूल, समझिए सेट्स ऑफ रूल। देखो डूरिंग डी हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब HX को निकालना है डूरिंग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड और डूरिंग डीहाइड्रेशन और डूरिंग डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल दैट अल्कीन विल बी मेजर, दैट अल्कीन विल बी मेजर विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कि वो अल्कीन मेजर होगी जिसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। बस यार यहां पर क्या है, ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है मेजर है, ये कम सब्स्टिट्यूटेड मतलब माइनर है। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड से अगर HX को निकाल रहे हो, किसी भी अल्काइल हैलाइड से अगर HX को निकाल रहे हो या किसी भी अल्कोहल से अगर वाटर को निकाल रहे हो तो वो अल्कीन मेजर होगी जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, कोई दिक्कत। चलो बनाओ, देखो इसी रूल को, इसी रूल को ये नाम कहते हैं, वो क्या है सेट्स ऑफ रूल, याद आएगा। चलो बनाइए, ठीक है क्वेश्चन आएगा बच जाएगा, चलो करो देखो। चलिए अब समझो, आपने नॉर्मल प्रोडक्ट भी देख लिया, आपने नॉर्मल प्रोडक्ट भी देख लिया कि क्या क्या हो सकता है। अब कहानी में इंटरेस्ट आया कि इस रिएक्शन में बना क्या है कार्बोकैटायन, और इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना है तो रिअरेंजमेंट की टेंडेंसी होगी, तो क्या हम रिअरेंजमेंट करवाएं या ना करवाएं, करवाएं तो नेक्स्ट पॉइंट ये निकलता है, ये निकलता है कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है मतलब रिअरेंजमेंट हो सकता है। चेक पॉइंट को लिखिए, इन इवन रिएक्शन, इन इवन रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कार्बोकैटायन इज फॉर्म therefore there is possibility, there is possibility of rearrangement, there is possibility of rearrangement। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है और अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है तो जहां रीअरेंजमेंट होने की संभावना होगी वहां रीअरेंजमेंट करवाना है। और ये रीअरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल या बॉन्ड, ये तरीका है। और मैंने आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में ये दिखाया होगा कि यहीं पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और उनमें हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल या बॉन्ड है, बॉन्ड है तो इसी के इलेक्ट्रॉन को नीचे कर दो और इसी पर्टिकुलर का यहाँ पे यहाँ से शिफ्टिंग कर दो, और यहां से शिफ्टिंग करके अब कार्बोकैटायन यहां बना दो और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल या बॉन्ड यहां से यहां पहुंचा दो, ये बड़ा हुआ है। और इसी को लिखा होगा कि ये कैसा होना चाहिए, लेस स्टेबल, ये कैसा होगा लेस स्टेबल, और ये जो बनेगा ये कैसा होना चाहिए मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी हो हमें वो बनाना है जो कि मोस्ट स्टेबल है, ये तो है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, बस में आगे और इसके ऊपर कह दिया कि यहाँ अल्कोहल और हीट का रेच दे दिया, तो सबसे पहले तुमने सीएल को हटाया और सीएल को हटाकर, सीएल को हटाकर तुमने क्या बना लिया, ऐसा कार्बोकैटायन बना लिया, इसे सीएल को हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज बना लिया, इधर सी थ्री लगा है, अगले वाले का दो मिथाइल है फिर मिथाइल पीएच है, अगले वाले कार्बन में दो मिथाइल है मिथाइल और पीएच है, बनिए फिर तुमने क्या किया, यहीं से मिथाइल की शिफ्टिंग करा दी है और यहीं से मिथाइल की शिफ्टिंग करा कर एक नया कार्बोकैटायन, एक नया कार्बोकैटायन बना दिया, ये कार्बोकैटायन बना लिया, इसी मिथाइल को इधर शिफ्ट कर दिया, ये मिथाइल के नीचे लिख देना ऐसे बन गया, बस यहाँ। अब सोचो अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड लाता हूँ तो क्या पीएच का रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ गई या नहीं आ गई,
अब एक दर्जन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हमने पहले क्या किया, मिथाइल सिटिंग लगाया, सिटिंग लगा के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया और ये ब्रग बन गया। समझ गया यही से मिथाइल की सिटिंग करके इस मिथाइल को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया और इधर यहाँ आ गया, पॉजिटिव बन गया। और जब पॉजिटिव बन गया तो यहाँ से प्रोटॉन खींच सकता है, यहाँ से प्रोटॉन खींच सकता है, यहाँ से प्रोटॉन खींच सकता है, ये सकता है, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, बिना प्रोटॉन खींचे डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन खींचता हूँ, डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो केवल हाइपर कन्वोल्यूशन की स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो भी केवल हाइपर कन्वोल्यूशन की स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी, तो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये समझ गया, ये कौन सा हो गया, मेजर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन का एटम बनता है इसमें रिअरेंजमेंट हो सकता है। इस मामले में क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि यहाँ पर सीएल है और इसको मैं कह दिया कि अल्कोहल और हीट का रिएक्शन। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, इसी सीएल को हटा दिया और सीएल को हटाकर ऐसा कार्बन कैटायन बना दिया, बन गया। और फोर में मटेरियल को फाइव में मटेरियल में लेके जाना है तो फोर में मटेरियल बगल पॉजिटिव थ्री एक्सपेंड होके फाइव मेंबर बना देगा। और जब फाइव मेंबर बना लेगा तो यहाँ से क्या करना है, चेंज है इसी को लाकर इसके साथ मिला दिया और यहाँ बना दिया पॉजिटिव चार्ज, बन गया। यहाँ फिर से पूरे हाइड्राइड की सेटिंग करा दी है और हाइड्राइड की सेटिंग कराकर ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये फाइव मेंबर रिंग है तुमने ऐसे बना दिया, बन गया। अब एक संभावना हो सकती है कि ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन खींच के डबल बॉन्ड बना दे और यहाँ का हाइड्रोजन खींच के डबल बॉन्ड बना दे, तो ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड बाहर या ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड अंदर, अंदर तो अंदर से प्रोटॉन खींच लो और अंदर से प्रोटॉन खींच के ऐसे डबल बॉन्ड बना। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में कार्बोक्राइन का जनरेशन होता है और अगर कार्बोक्राइन का जनरेशन होता है मतलब रिअरेंजमेंट होने की संभावना होगी, तो हमें रिअरेंजमेंट करवाना है, याद रहेगा। चलेंगे भाई, तो इतनी ही चीजें हैं मेनली जो आपसे पूछी जाती है। अगर इवन रीजनल अल्काइल ग्रुप की बात करें तो मेनली इतनी ही चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है। तो थोड़ा वक्त देकर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को दिमाग में बैठाइए कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं। बनाओ देखो, क्वेश्चन आएगा लगा लोगे, चलिए करिए। इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि जब इससे प्रोडक्ट बनाओगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और जो डबल बॉन्ड बनेगा दो ही हो सकता है, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। और लगभग हर बच्चा जानता है कि ट्रांस के अंदर चीजें जब अपोजिट होती है रिपल्सन कम होता है, और सिस के अंदर दोनों ग्रुप एक तरफ होता है रिपल्सन ज्यादा होता है। तो अगर मेजर माइनर की बात करें तो ट्रांस में जो रिपल्सन ये सबसे कम है तो ही तुम्हारा मेजर बन गया, और सिस्टम अंदर रिपल्शन कम है तो तुम्हारा माइनर बन गया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बी को देते हैं ऐसे ले दिए और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट पूछ लिया, तो एक प्रोडक्ट तुमने ये बनाया, एक प्रोडक्ट तुमने ये बनाया, लेकिन चूंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इसमें पॉसिबल नहीं है तो सोचना ही नहीं है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, एच मिथाइल अलग, एच मिथाइल अलग, तो ये एक ट्रांस बना सकता है और एक तुम्हारा सिस बना सकता है, ये तो होगा। मतलब ज्योमेट्रिकल में या तो सिस या ट्रांस बनेगा, लेकिन अगर मेजर पूछ ले स्टेरिक हिंडर्स कहाँ कम है, ट्रांस में या सिस में, ट्रांस में, तो ये जो पर्टिकुलर बन जाएगा वो कौन सा है, मेजर। बस मैम यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में डबल बॉन्ड के नाम ट्रांस और सिस, ये तो सोचोगे, सिस मतलब दोनों अल्काइल एक तरफ और ट्रांस मतलब दोनों अल्काइल अपोजिट, तो दो ग्रुप अगर अपोजिट है तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, ऐसे करना करो, एक
कार में दो लोग बैठे हैं, एक आगे और एक पीछे बैठे हैं, प्रबलसन कम से कम होगा। लेकिन दोनों आगे बैठे हैं, दोनों पीछे बैठे हैं, प्रबलसन ज्यादा होगा। तो ट्रांस स्टेबिलिटी इन जनरल ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी इन जनरल कम होती है। तीसरे नंबर का बच्चा जानता है कि मेजर है और ये माइनर है। तीसरे स्टीरियो क्रिस्टी से इंजन घोड़े का इंपॉर्टेंट हो जाती है, किंतु इंजन की स्टीरियो क्रिस्टी आगे दिखाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इतने से जो क्वेश्चन आता है अगेन यही है कि या तो सब्सट्रेट अंदर लिविंग ग्रुप का चेंज कर लेगा, अल्काइल ग्रुप का चेंज कर लेगा, रेजिन अल्कोहल वगैरह को लेकर क्वेश्चन बना लेगा, कार्बन है उसके रीअरेंजमेंट से अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। और जो जो काम तुमने अल्काइल हैलाइड में किया है एग्जैक्टली ऐसा ही काम आपको अल्कोहल में करना है। बस में आगे चलिए, इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल चलो देखो अगेन एक रिएक्शन आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। चलिए जनरल रिएक्शन अगेन आपको लेना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और यही पे डालना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ये और यहां से बनाना है आइसो ब्यूटी बनाओ देखो of
alcohol. Even its purpose in it that even the action of alkyl halide. Even the action of alcohol is similar to that of even the action of alkyl halide. याद है ना, वो सारे पॉइंट्स जो आपने अल्काइल हैलाइड में देखा है वो सारे पॉइंट यहाँ भी वैलिड है. कार्बन ने बनाना है, रिएजमेंट होगा तो होगा, ठीक है, और स्टेबल बना लो, बाकी प्रोटॉन निकाल के डबल बॉन्ड बना लो. जहाँ रिएजमेंट नहीं होगा वहाँ डायरेक्ट बना लो. इसमें मतलब कैसे पूछ ली है, कैसे पूछ ली है, यहाँ पीएच लगा दी है, यहाँ सीओ लगा दी है, और यहाँ कर दिया कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन. तो मैंने इस सीओ को हटा दिया, कार्बन ने बना दिया, रिएजमेंट होगा या नहीं, राइट. और सोचो यहाँ से एच निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, यहाँ से एच निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, पहले पे या दूसरे पे? दूसरे पे. तो दूसरा वाला डबल बॉन्ड बना दो, दूसरा वाला डबल बॉन्ड बना दो, बन गए. लेकिन जहाँ रिअरेंजमेंट की संभावना होगी वहाँ रिअरेंजमेंट करा दो. मान लो क्वेश्चन कैसे दे दिए, सीएल है ना यहाँ OH, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, और सुना के और यहीं पे अगर मैंने OH ले लिया और यहाँ कह दें कंसेंट्रेटेड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है भीड़ है, तो यहाँ से कार्बन बढ़ाएगा वीक लिविंग ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो और अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके एक कार्बन बढ़ाएं बना दो. रिअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा. फाइव डबल मोस्टिव है तो इसका हम ये सिक्स में चला जाएगा, और सिक्स में चला जाएगा ना तो जितने में कोई चेंज ना हो उसे पहले ही बना दो. अभी यहाँ से यहाँ आ गया, इसी हाइड्राइड का यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करा दो, और यहाँ से शिफ्टिंग करा कर ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स, एक सिक्स में बढ़ेंगे वहां पर, यहाँ पे मिथाइल और ये बन गया पॉजिटिव, बन गया. अब यहाँ से कैसे निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से कैसे निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड, तो ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड नीचे या ऊपर? नीचे. यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे दो तो चार तीन सात टाइप का कंजुगेशन आएंगे, तो इसे यहाँ से प्रोटॉन निकाल दो और निकालने के बाद डबल बॉन्ड बना दो. तो जो जो कहानी तुमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा है वो सारी कहानी अल्कोहल में भी वैलिड है, याद रहेगा. चलिए सर उधर सर रेजोनेंस भी हो रहा होगा ना, फिलहाल बता रहे हैं. हाँ, फिलहाल कारण रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है. बन गया? चलो करो करो. सबसे पहले क्लेविंग ग्रुप OH को एक अच्छे लेवल पर वाटर को निकाल दो, कार्बन बढ़ाएं बना दो, और उसी कार्बन बढ़ाएं के बगल से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड बना दो. अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तब, और अगर हो रहा है तो नेक्स्ट में कार्बन बॉन्ड बनाओ, फिर बगल से प्रोटॉन खींचो और डबल बॉन्ड बना दो. बन जाएगा इसमें. चलिए अब एक रिएक्शन, इवन रिएक्शन अल्कोहल में आपके सिलेबस में है और जो इम्पोर्टेंट भी है, जैसे आईटी 2018 के एडवांस में मैथ्स तो कॉलम का क्वेश्चन बनाया, बस में आके मेडिकल उसका नीचे हुआ है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए तो वो इम्पोर्टेंट है. चलिए हेडिंग डालिए पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में. चलिए हेडिंग डालो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में. पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, इसका सब्सटिट्यूट होता है, ये होता है 1,2-diol. अगर बगल दो OH लगा हुआ होना चाहिए. इसी कंपाउंड का कॉमन नेम वैसे है पिनाकोल, लेकिन सब्सटिट्यूट के लिए 1,2-diol. इसका कोई कंपाउंड होगा वो रिएक्शन देगा. इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नाम वो क्या है, पिनाकोल. ये क्या है, पिनाकोल. और इसी के ऊपर जब हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं
तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो CH3 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 यहाँ CO और यहाँ CH3। तो जो आगे प्रोडक्ट बनेगा वो या तो होगा एल्डिहाइड या तो होगा कीटोन। मतलब इनडायरेक्टली इस कंपाउंड का जो नाम है वो नाम क्या है, पिनाकोलोन। बस यहाँ पे स्पेसिफिक अगर नेचर की बात करें तो हो गया पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। लेकिन इस तरह के कौन से कंपाउंड दे सकते हैं उसके लिए मांग रखना कि जब हम 2-dihol के ऊपर इसे रिएक्शन कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा बनेगा एल्डिहाइड कीटोन। और इसी रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। याद रहे डेफिनेशन कैसे दोगे, व्हेन दिस ट्रीटेड विद दिस गिव दिस रिएक्शन कॉल्ड एज दिस। मतलब व्हेन 1,2-dihol इज ट्रीटेड विद एसिड गिव एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। याद रहेगा, चलिए रही। पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, चलिए समझिए एनालाइज करिए। तो हमारे पास है क्या, CH3 है CH3 है, यहां भी CH3 है CH3 है और ये OH है और ये OH है। OH एक अच्छा लेवल हो या खराब लेवल हो, खराब तो अच्छे लेवल को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें डाला है, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी ऑक्सीजन के द्वारा अटैक कराकर वाटर को निकाल, बस यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते थे वहां से निकाल सकते थे, वहां से निकाल लिए और निकाल कर ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन बना दिया, बन गया। और यहाँ जो कार्बोकैटायन है इसमें केवल हाइपरकंजुगेशन की स्टेबिलिटी है, इंडक्टिव इफेक्ट की स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर इसी पॉजिटिव को यहाँ पहुंचाते हैं तो OH का स्ट्रॉन्ग प्लस भी मिलेगा। तो OH के स्ट्रॉन्ग प्लस को गेन करने के लिए यही मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके अब तुमको एक नया कार्बोकैटायन, एक नया कार्बोकैटायन, एक नया कार्बोकैटायन बना देता है, बन जाता है। और इसी के ऊपर इसका अटैक कराना है और इसी का अटैक कराकर प्रोटॉन को निकाल देना है और यहाँ से हमें इस तरह का कंपाउंड बना देना है, एक बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इस OH को हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन बनाने के बाद मिथाइल शिफ्टिंग कराओ और शिफ्टिंग कराने के बाद नया कार्बोकैटायन बनाओ और इसी का रेजोनेंस कराओ, प्रोटॉन को निकाल दो और फाइनली एसीटोन बना दो। बस यहाँ पे इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है तीन तरह से कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये कैसा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर तुम इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखो तो ये कार्बन दो ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो कभी दिमाग में ऐसा पिक्चर नहीं रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में जाते हैं, कभी टर्शियरी सेकेंडरी में नहीं आता है। दिमाग में क्या रखना है कि सबसे पहले रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का होता हाइपरकंजुगेशन की स्टेबिलिटी और हाइपरकंजुगेशन की ना होता आपका इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन में जा सकता है बशर्ते रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाए, याद रहेगा। तो सारा ही स्टेबिलिटी है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में जा रहा है। अगर ये OH नहीं होता तो डबल बॉन्ड बना लो, लेकिन अगर OH है तो इसका एल्डिहाइड कीटोन बना लो। जैसे कल्पना करो कि यहाँ OH नहीं होता और यहाँ क्या होता, H होता, तो H होता ये कार्बोकैटायन ना लिया और अगर H निकाल के डबल बॉन्ड बना लो। लेकिन अगर OH है तो यहीं से अल्काइल की शिफ्टिंग कराओ, शिफ्टिंग कराकर नया कार्बोकैटायन बनाओ जिससे रेजोनेंस में स्टेबिलिटी मिल जाए और फिर बाद में प्रोटॉन को निकालकर फाइनल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, बन जाएगा। चलो करो देखो, Thank you.
क्वेश्चन आएगा आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तब तो आप जहां से मन करे वहां से बना दो, लेकिन कल्पना करो कि अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता ऐसा होता और इसके ऊपर एसिड कनेक्शन कराता तो सोच लगाओ कार्बन बॉन्ड कहां बनाओगे, वन पर जिसमें पीएच लगा हुआ है या टू पर जिसमें सी एच थ्री लगा हुआ है, वन पर। मतलब पहले लेवल का कार्बन बॉन्ड सोचना है कि पहले लेवल का कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कहां हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है वो नहीं सोचना है। यहां कार्बन बॉन्ड बनाओगे रेजोनेंस स्टेबिलिटी, यहां कार्बन बॉन्ड बनाओगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेबिलिटी, तो इसीलिए आपको यहां से वाटर निकालना है और यहां से वाटर निकालकर पीएच पीएच पॉजिटिव CH3 और OH ऐसे बनाना है बस। यहाँ पे जब ये बन गया अब यहाँ से मिथाइल की शिफ्टिंग करा दो और मिथाइल की शिफ्टिंग कराकर पीएच पीएच CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव ये आपका OH और ये CH3 ये बना दो बन जाएगा। और अगले स्टेज में किसी का रेजोनेंस करा दो, रेजोनेंस कराकर प्रोटॉन को निकाल दो और एक पीएच यहाँ पीएच यहाँ CH3 और ये CH3 ऐसे बनाना है बस। यहाँ तो कहने का मतलब ये है कि जब एक से ज्यादा तरह से कार्बन आयन बनने की संभावना है, एक से ज्यादा तरह के कार्बन आयन बनने की संभावना है तो हमें उस कार्बन आयन को बनाना है जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, हमें उस कार्बन आयन को नहीं बनाना है जहाँ स्टेबिलिटी कम है। कभी तो बच्चे दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ से कार्बन आयन बना दें फिर मैं इसे भी कर दें और यहाँ कार्बन आयन बना के रेजोनेंस खराब है तो इसका भी प्लस मिल जाएगा इसका भी प्लस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है बस। यहाँ पे बच्चों को दिमाग में ला सकते हैं कि सर कोई इसको हटा के कार्बन आयन बना देते हैं फिनाइल को मूवमेंट करा के यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं और जब यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे इसका भी प्लस मिलेगा और इसका भी प्लस मिलेगा बस। यहाँ पे लेकिन जब यहाँ पॉजिटिव बना रहे हैं हमें केवल इसी का प्लस मिल रहा है, हमें कोई इसका प्लस नहीं मिल रहा है बस। यहाँ पे तो इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि पहले लेवल में जो कार्बन आयन बन रहा है उसके बारे में सोचना है, बाद में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है बस। मैं आगे तो पहले ये कार्बन आयन बनाओगे रेजोनेंस और यहाँ कार्बन आयन बनाओगे हाइब्रिडाइजेशन, तुम्हें यही सोचना है ये नहीं सोचना है, याद रहेगा। चलो करो देखो इसको चाहो पॉइंट बुक में लिख भी सकते हो। व्हेनेवर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ कार्बन आयन, व्हेनेवर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ formation of two type of carbocation, whenever there is possibility of formation of two type of carbocation then always form most stable carbocation first, always form most stable carbocation first, पहले लेवल पे उस कार्बन आयन को बनाना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल है याद रहेगा। अब एक ये भी दिमाग रख सकते हो कि सर अगर मान लो कभी फिनाइल और मिथाइल दोनों हो जाए एक ही कार्बन पे, एक फिनाइल हो जाए एक मिथाइल हो जाए तो किसका मूवमेंट कराओगे, कभी एक फिनाइल हो जाए कभी एच हो जाए तो किसका कराओगे, कभी CH3 एच हो जाए तो किसका कराओगे बस। मैं अभी तो उसके लिए आता है कि माइग्रेटरी एक्टिविटी माइग्रेटरी एक्टिविटी मोड इसको पहले मूव कराना है, तो पहले मूव कराना है हाइड्रोजन को फिर कराना है फिनाइल को फिर कराना है अल्काइल को, कि अगर अभी मूवमेंट कराना ही पड़ जाए इस मान लो कि कभी यहीं पर पीएच और एच होता बस यहाँ भी पीएच और एच होता तो कार्बन सिमेट्रिकल बन गया, अगर सिमेट्रिकल बन गया और पीएच एच पीएच एच मूवमेंट किसका कराओगे पीएच का या एच का, तो क्या किसका कराना है एच का। जैसे यहाँ पे पीएच और सी एच थ्री है यहाँ पे पीएच सी एच थ्री है तो मैं कार्बन आयन सेम बना लिया और मूवमेंट किसका करना है पीएच का या सी एच थ्री का, किसका करना है पीएच का। तो कभी अगर पॉसिबिलिटी है कि एच पीएच और मिथाइल में है तो सबसे पहले किसको सोचें, तो पहले किसको सोचना है एच, एच ना हो तो फिनाइल और फिनाइल ना हो तो मिथाइल। इस मामले में क्वेश्चन कैसे दे दिया, क्वेश्चन कैसे दे दिया, यहाँ का ओ एच की आपका ओ एच की आपका पी एच की आपका एच की आपका एच ऐसे दे दिया। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तुमने इसको हटा दिया और हटा कर कार्बोन आयन बना दिया, ये कार्बोकेटायन ये कार्बोकेटायन बना दिए ये बन गया। अब सोचो हम मूवमेंट एच का कराएं या पी एच का, एच का इसका बोल रहे हैं एच का,
तो इसी एच को यहाँ से यहाँ भेजो, और भेजने के बाद ये तुम जो कार्बन बनाए बना दोगे एच, ये पी एच, ये एच, ये आपका पी एच, और ये आपका बन गया ओ एच, और ये कार्बो कैटायन बन गया। अब इसी का नाम रेजोनेंस, और रेजोनेंस का नाम प्रोटॉन को निकाल, प्रोटॉन को निकाल लोगे। इसे सी एच टू को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ पी एच, ये हो गया सी एच टू, ये हो गया सी ओ, और ये हो गया पी एच, पी एच ये सी एच टू, फिर हो गया सी ओ, और ये बन गया पी एच। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एच पी एच अल्काइल में माइग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले कौन सा एच, उसके बाद पी एच, उसके बाद आर, बस में आगे। तो अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ये सोचना है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिख दे भाई ऐसे ही मूवमेंट कराना है तो जैसा लिख दे वैसा ही कराना है। हाँ बोलो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारा के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन को भाई बेस्ड है। एच को मूव कहा हुए जो जो कहा हुआ है वहाँ माइग्रेशन की बात आती है। तो माइग्रेटरी के बिटवीन जो फिनाइल का माइग्रेशन होता है तो रेजोनेंस के थ्रू होता है, तो इसलिए इसका माइग्रेशन फास्ट होता है, इसका माइग्रेशन स्लो होता है। तो यहाँ देखो तुम्हारे दिमाग में जो आया वो सही आया है, इससे पहले पी एच के बाद में अल्काइल, क्या लगेगा अच्छा करो। और ये चीज याद क्या, ये दिमाग में रखना कि ये प्रॉब्लम केवल केवल इसी रिएक्शन में है, हर जगह जनरलाइज नहीं करना है, बस में आगे कहानी केवल रेजोनेंस डायरेक्टर कंजुगेशन पे इंडक्टिव है। चलो बनाओ, देखो रीजन में ये लिखा था कि जब एक से ज्यादा स्टेबल कार्बन बॉन्ड बनने की संभावना है वो बनाओ तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा हो। चल लिखो, चल बन बस लिख लेना, कुछ भी जाएगा ये लिखो। बनाओ रे, अब जरा इसके बारे में सोचिए। अगर मैं किसी भी तरीके से यहां आ जाऊं तो क्या ये घूम फिर यहां पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? किसी भी तरीके से अगर यहां आ जाऊं तो यही वाला कार्बन पॉइंट बना लो तो क्या ये धीरे धीरे यहां पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। तो बिना कहा यहां पर हम OH OH से लेकर इसी कनेक्शन कराते हैं, लेकिन अगर यही चीज यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां OH है, लेकिन यहां X ले लें और X से कनेक्शन निकाल दें तो क्या ये बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो एक्स निकालने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, बस ना भी। तो यहां से भी ये कार्बन आयन बन जाएगा जो धीरे धीरे पहुंच जाएगा यहां पर। दूसरा, अगर मैं ये ले लेता हूं सी एस थ्री, यहां सी एस थ्री, यहां सी एस थ्री, यहां सी एस थ्री, यहां ओ एच, और यहां ले लेता हूं एन एच टू, एन एच टू ले लेता हूं, और एन एच टू को हटाने के लिए मैं पूरा करा एन ए एन टू एच सी एल, एन ए एन टू एच सी एल, एन एच टू वीक लेवल पर। इसे अच्छे लेवल को कन्वर्ट करने के लिए आपने यूज किया जो कि नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल गया, यहाँ ये AgH के रूप में निकल गया। तो दोनों से जो कार्बन आयन बना, दोनों से जो कार्बन आयन बना तो क्या ये कार्बो कैटायन यही वाला बना या नहीं बना? ये बना। फिर इसका क्या करोगे? इसी मिथाइल की सिफ्टिंग करा दोगे, इसी का रेजोनेंस करा दोगे, प्रोटॉन को सिस्टम से निकाल दोगे। तो जो कंपाउंड बन गया वो सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, ये सी ओ और ये सी एस थ्री बना या नहीं बना? बन गया। तो जब वन को डायलॉग लेते हैं इसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट, लेकिन जो हाइड्रोजन या एनएच2 लेते हैं इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट, उसे एक्सटेंड किया हुआ है, और जब एक्सटेंड किया हुआ है तो इसी का नाम क्या हो गया? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। चलिए बनाइए। तो जब कभी NH2 होगा तो उस केस में Na अणु एल्सीएल यूज करिए, कभी हाइड्रोजन होगा उस केस में सिल्वर नाइट्रेट यूज करिए, बस ना भी। और कभी आपका OH होगा उस केस में एसिड यूज करिए। OH जो कि पुअर लेवल ग्रुप है उसे अगर हम नाम लगा के एसिड डालते हैं
एक्स एक अच्छा लेवल पे है, वो आसानी से हट जाता है। कभी एक दिन कार्बोनाइन बनाने की मन करे तो हम बनाने मन करे Ag+ डाल देते हैं। NH2 जो बहुत खराब लेवल ग्रुप है, और जब बहुत खराब लेवल ग्रुप है तो प्रोटोनेशन से भी नहीं निकलता है, तो इसको नाइट्रोजन गैस के रूप में निकालते हैं, इन्हें हेमोग्लोबिन से यूज करते हैं, तब जब कार्बोनाइन बनाना है। याद आएगा, चलो देखो। सब्सट्रेट में अगल बगल दो OH हो, सब्सट्रेट के बगल में X और OH हो, सब्सट्रेट के बगल में NH2OH हो, हम रिएक्शन करा सकते हैं। और चूंकि हमें मालूम है कि शिफ्टिंग हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल हो सकता है, हम रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन से हो सकते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन नहीं देते, मान लो ऐसे देते, ऐसे देते, ये आपका दो फोर नंबर रिंग दे दिया, यहाँ दे दिया आपका OH और यहाँ दे दिया आपका NH2 और यहाँ कह दिया यही से तुमने NH2 हटा दिया, NH2 हटाकर एक कार्बोनाइन बना दिए, एक कार्बोनाइन बना दिया, बन गया। फोर नंबर रिंग है, उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, फोर नंबर रिंग है, बगल पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंड करना है, रिंग एक्सपेंड करना है, इसी के लिए कंपाउंड ऊपर भेजो, इससे सब मोड बना लो, और इसके सब मोड बना लोगे तो यहां से क्या इस तरह का कंपाउंड बना या नहीं बना, और ये अब इसी को लाकर इसके सब मिला देना है, इसके सब मिला देना है और ये पॉजिटिव बना देना है, बन जाए। इसी को थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब इनडायरेक्टली एक फाइव मेंबर रिंग, एक फाइव मेंबर रिंग इसी से फोर मेंबर रिंग ऐसे बना दो, एक ये फाइव मेंबर रिंग इसी से फोर मेंबर रिंग बना दो, जहां कनेक्टेड है उसके बगल में कार्बन OH, जहां कनेक्टेड है उसके बगल में कार्बन OH और एक पॉजिटिव बना दो, ये तो बनेगा। और इसी का रेजोनेंस करा दो, और इसी का रेजोनेंस करा कर प्रोटॉन को निकाल दो, ये फाइनली कुछ इस तरह की स्पीशीज बना देगा, ये कुछ इस तरह की स्पीशीज बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल पिक्चर में हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल कर ही सकते हैं, अगर रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन की बात हो तो रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकता है। बस याद रखिएगा कि बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा हमेशा बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा हमेशा क्या बनेगा, या तो एल्डिहाइड या तो कीटो, और कुछ सोचा ही नहीं है। अगर एल्डिहाइड कीटो को छोड़कर कुछ भी और बन रहा हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आप कर रहे हो। नमस्ते, चल करिए देखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लग जाएगा, तो इतना ही है जो आपका ओवरऑल इवन रिएक्शन है। मैंने इवन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड भी दिखा दिया और इवन रिएक्शन अल्कोहल भी दिखा दिया, और इवन रिएक्शन अल्कोहल में एक नियम रिएक्शन है, वो नियम रिएक्शन कौन सा है, पिनाकोल पिनाक्रोम रिएक्शन। कोचिंग वालों को अगर इससे अच्छा क्वेश्चन कोई पूछना होता है इवन से, तो नॉर्मली इसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। एक अच्छी गुण बात यह है कि एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी बुक में एलिमिनेशन काफी कम दिया हुआ है, और इतना कम है कि केवल 5 लाइन में एलिमिनेशन खत्म हो जाता है बस आगे। लेकिन बुरी बात यह है कि आईटी मेडिकल दोनों के दोनों इस एलिमिनेशन से क्वेश्चन पूछती है, और जब एलिमिनेशन का क्वेश्चन पूछती है इसे छोड़ नहीं सकते हो बस आगे। तो थोड़ा सा बल देना है कि करना क्या है, इस कार्बोनाइन बनाओ, बगल से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बना दो, कभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट करा दो। और रीअरेंजमेंट का एक केस है, अलग से नाम आ गया है, वो नाम कौन सा है, पिनाकोल पिनाक्रोम रीअरेंजमेंट, जिसे हमारा प्रोडक्ट ओवरऑल अल्किल नाम के हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है कौन सा है, एल्डिहाइड कीटो, बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाली क्लास में चालू करेंगे वो कौन सा चालू करेंगे, ई टू रिएक्शन। बस मैं आगे आज वाली क्लास में तुमने क्या पढ़ा है, ई वन रिएक्शन, और नेक्स्ट वाली क्लास में क्या देखेंगे, ई टू रिएक्शन। नमस्कार, चलिए क्लास को फिर यहीं पर छोड़ता हूँ।